जिसमें फ़ोन लगाइए और आप ऐसे करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप आवाज़ आपकी बेटर रिकॉर्ड होगी। लेकिन बस ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30। फिलहाल मैं आज लेट ही सो के उठा था और उसके बाद फिर अभी आया हूँ छत पे। थोड़ा मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा कि चलो छत पे ही घूम लेते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे। और वैसे भी आज बहुत एक्साइटमेंट दिन है यार, आज फिर होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। देखने में मज़ा आ जाएगा यार, क्या मैच होता है। जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तब भी देखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो आज भी रायबरेली होगा, पूरा देखा जाएगा ज़बरदस्त तरीके से और पूरे ही एकदम एक्साइटमेंट के साथ। थोड़ा घर वाले रोकते नहीं, गोला दगा दे रात में ही 12 बजे 1 बजे, लेकिन तब भी देखने में मज़ा आ जाता है यार। आज कुछ नहीं होगा, वेट होगा कितनी जल्दी शाम हो फिर मैच देखा जाए। तो ये सुबह का मौसम का जो व्यू है यार गाइस ना, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सेक्सी मौसम हो रखता है, एकदम लाजवाब मौसम। दिखा देता हूँ आपको आज चारों तरफ व्यू। और ये हरियाली देखो आप, ये है गांव की रौनक। शहर में ये आपको देखने नहीं मिलेगी, लेकिन ये गांव में आप देख रहे हैं पूरी हरियाली हरियाली। फिलहाल क्या मौसम हो रखा है भाई, ज़बरदस्त। और फिलहाल अभी भी हमारे घर पे झंडा टंगा हुआ है, अभी भी सेलिब्रेशन 15 अगस्त का मनाया जा रहा है। फिलहाल उतरेगा नहीं जब तक ये लगा रहेगा, जब तक फट नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल आप मौसम देखो यार, मौसम ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए भी निकलेंगे नहर की तरफ। तो फाइनली बैठा था दोपहर के बज रहे 1 यार। आजकल का जो मौसम हो रखा है क्या बताएं, कभी बारिश कभी धूप, कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसा मौसम हो रखा है। तो फिलहाल वैसे भी ये छोटी हैं, अब की बार मैंने सोचा है कि इसको बड़ा किया जाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल जिस पॉइंट पर बारिश हो रही है यार, कब बारिश होना स्टार्ट हो जाए, कब धूप निकल जाए पता नहीं। फिलहाल बारिश हो रही दिखाते हैं आपको। You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. 'Cause when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you're lying in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy, girl. It's not that complicated. Got me tied up in a leash and running, going round, round. You got me running in a circle. अमेज़न से मेरा ऑर्डर आया है बोया का माइक MM1, तो इसे अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और आज गोरिल्ला एयरपोर्ट में लगाएंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ जो आता था वो अब नहीं आएगा, कितनी भी तेज़ हवा चले या कुछ भी चले, लेकिन केवल मेरी ही आवाज़ आएगी। तो दिखाते हैं आपको खोल के आज। तो ये माइक, इसका अंदर स्टिकर वगैरह भी मिला, इसका कोई मतलब है ही नहीं, ये ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे निकालते हैं बाहर। नहीं है इसमें कवर भी मिला है कि आप इसमें रख देंगे तो सेफ्टी बना रहेगा आपके माइक का। या आप GoPro लें या वो कैमरा लेंगे तो उसमें भी ये लग जाएगा, और आपका फ़ोन होगा उसमें भी लग जाएगा। वो तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार, ये एयरपोर्ट लगाने के लिए, इसमें लगाने के लिए आसानी से लग जाएगा। आसानी से ऐसे सेट करके फिर आप ऐसे टाइट कर देंगे। ये तो हमारे फ़ोन में लगेगा ही नहीं, दूसरा लेना पड़ेगा, ये दोनों नहीं लगेगा। सही अंदर ही रखा खराब हुआ के यूज़ करेंगे। फिलहाल ये प्रोडक्ट बेटर है, आवाज़ इसमें आएगी आपकी अच्छे से। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम हमारे साथ यही होगा कि ये हमारे में लगेगा नहीं, हमारे फोन में, हमारा सी टाइप का है तो मुझे दूसरा केबल लेना पड़ेगा, वो लगेगा, ये लगेगा नहीं।
लेकिन ये चीज़ें बढ़िया हैं कि फिर फिलहाल जो बैकग्राउंड नॉइस आता था वो अब आएगा नहीं, क्लियरिटी आवाज़ आएगी, जो भी आवाज़ आएगी क्लियरिटी के साथ में आएगी। उसके कवर भी बढ़िया मस्त दिया हुआ है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अभी तो फिलहाल और बेटर तरीके से सेट करना पड़ेगा इसको। ऐसे ही अभी इसको बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा और इसके बाद ये भी रहेगा। अब इसमें फ़ोन लगाइए और आप ऐसे करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप आवाज़ आपकी बेटर रिकॉर्ड होगी। लेकिन बस ये चेंज करना पड़ेगा भाई मुझे, बस यही चेंज कर लूँ फिर इससे करके दिखाऊँगा, ऐसी पिक भी डालूँगा। प्रोडक्ट अच्छा ही है, धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट करके ऐड किया जाएगा अपने पास, उसमें तो लग ही जाएगा फिलहाल ये। लेकिन ये फ़ोन में लगेगा नहीं, ऐसे फ़ोन में लगता है लेकिन हमारे फ़ोन में ऐसे नहीं, सी टाइप का, तो सी टाइप मुझे लेना पड़ेगा फिर उसी की यूज़ करेंगे। फिलहाल अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे सारे प्रोडक्ट का। इसलिए इसको लिया हूँ क्योंकि बैकग्राउंड जो आवाज़ आती थी, हवा बहुत तेज़ चलता था तो मेरी आवाज़ आती नहीं थी यार, वो हवा की ही आवाज़ ज़्यादातर आती थी। तो ये रहेगा कि अपना जो भी रहेगा अपनी आवाज़ मस्त आएगी, कुछ भी बोलो आप। बढ़िया मस्त प्रोडक्ट है यार बोया का, इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है ये। ये आप यूज़ करिए, चाहे आप DSLR में यूज़ करिए, GoPro में यूज़ करिए, 360 में यूज़ करिए, तो फिलहाल ये हमारे किसी भी चीज़ में यूज़ आ जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं फ़ोन में ही यूज़ करूँगा, जब मैं लूँगा तो उसमें भी सेट हो जाएगा। और बहुत महंगा है भी नहीं, सस्ता है, आप ले सकते हैं इसको Amazon से। मुझे तो थोड़ा और सस्ता पड़ गया था क्योंकि मेरे पास कार्ड भी Amazon का था, उससे 1500 की पड़ी है ये, और वैसे भी ये 2100 की है। फिलहाल मस्त प्रोडक्ट है यार ये। तो फिलहाल गाइस मैच इंडिया हार गई है पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा कष्ट है यार, लेकिन तब भी बेटर खेली यार। किसी दूसरी टीम से हार जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान से हारती है ना तो थोड़ा सा अंदर से ये लगता है कि हारना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा मैच खेले हैं, अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप में बेटर खेलेंगे, फिर मुलाकात होगी इन लोगों से तो फिर हम लोग जीतेंगे। तो फिलहाल चलो कोई बात नहीं। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।